हेलो हेलो, बोलो भाई साहब। मैं बाहर जाने वाली हूँ, सो आई एम डूइंग लाइव फॉर मे बी हाफ एन आवर सिर्फ, एंड देन आई हैव टू गो। चलो आज और यस्टरडे के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। यस्टरडे तो मैंने थोड़ा टास्क पे हक दिया, माइंड मत करना, अपना टाइम आएगा भाई साहब लोग, अपना टाइम जरूर आएगा। ये सचिन, मैं ना थोड़ा देर के लिए जा रही हूँ लाइव, तो बाद में साथ में करेंगे। अभी ना थोड़ा मैं कलर आज का एपिसोड के बारे में बात करती हूँ, फिर मैं भी चली जा रही हूँ। इतना गर्मी है ना भाई साहब। क्या बात करूँ, आप लोग कुछ पूछो मैं फिर बताऊंगी। मुझे ना बहुत ऐसा लग रहा है ना, मैं स्प्लिट्सविला में नहीं हूँ, मैं रोडिस पे हूँ जैसा लग रहा है। जब भी देखो रोडिस पे झगड़ा, रोडिस पे झगड़ा, जिसके टॉपिक पे हमको पता भी नहीं है कौन सी बात पे झगड़ा कर रहे हैं ये लोग, हमको पता भी नहीं है, एंड हम बीच पे घुस भी नहीं रहे हैं। और क्यों घुसे भाई साहब, हमारा कुछ मैटर ही नहीं है, हमारा बिजनेस ही नहीं है। और स्पेशली मैं, अनिकेत हो गया, रिग्देन हो गया, अमिया हो गया, जब तक अपनी बात नहीं आता है हम लोग बात मतलब झगड़ा ज़्यादा नहीं करते हैं। ओनली इफ समवन विल कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड प्रोवोक अस फॉर अ फाइट, देन ऑब्वियसली विल फाइट, बट वो फोकट का हम भी बीच पे जाके फुटेज के लिए बात नहीं करते, जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग समझदार हो। दिग्विजय की लाइन चुरा रही हो, आप लोग समझदारी हो। बट दिस टाइम आई रियली फील लाइक दिस टाइम का ऑडियंस ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, एंड दे कैन यू नो फिगर आउट एवरीथिंग। में मतलब कितने चीज़ हुआ था विला के अंदर, एंड देन आई वॉज लिटरली फीलिंग विल द ऑडियंस अंडरस्टैंड वट एवर इज हैपनिंग बोल के मैं सोचती थी। बट अभी लग रहा है कि येस, ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार लोग है और बहुत ज़्यादा मतलब समझ पा रहे हैं जितना भी जो भी हो रहा है अंदर अंदर। और भाई साहब कल वाला दिग्विजय भी आएगा, सारी लाइव, हाँ मैं थोड़ा देर लाइव आके चली जाऊंगी। तो मैं कल वाला टास्क के बारे में बोलना चाहूंगी सचिन को लेकर, क्योंकि उधर पे भी उसको बोला गया था। उस टाइम आई ऑल्सो स्पोक यू नो स्पोक फॉर हिम, बट देन वो नहीं आ गया, क्योंकि बस चिल कर, हाँ चिली कर रही हूँ अभी। तो कल वाला टास्क का क्या हो गया था, पहले तो मैं खाने में बहुत लेट हूँ, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, बिकॉज आई नो मैंने हक दिया था और मुझे पता है मैंने हगा है, इसलिए आई एम वेरी सॉरी आप लोगों को लेट डाउन किया। बट बुरा मत मानो, टाइम आएगा अपना, बहुत अच्छा अच्छा टाइम आएगा। तो मतलब जब आप लोग मुझे, मैं भी खुद को ढूंढ रही होती हूँ एपिसोड में, अरे मैं कहाँ गई, अरे नहीं दिख रहा है, अरे ये वो, अरे ये वो, मुझे पता नहीं इतना चीज भी हो रहा था भाई साहब। सब लोग मतलब कैमरा में कुछ कुछ हो रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, और मैं अनिकेत तो कैमरा के आगे बात भी अच्छे से नहीं करते थे, बिकॉज लिटरली जो कुछ सामने में बात करना होता है, क्या होता है उसमें, मतलब यू नो यू कैन नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट कोई लोग कर पाते हैं, लवी डवी चीज भी दिखा पाते हैं, तो समझ पा रहे हो ना, उतना ही बोलूंगी मैं, बिकॉज रियलिटी शो है, रियलिटी दिखाना पड़ता है, रियलिटी तुम क्या हो कैसे हो वो चीज दिखना पड़ता है, ना कि जबरदस्ती का फुटेज और ना कि जबरदस्ती का यू नो, समझदार हो बाकी आप लोग, समझ जाओगे। चिल बहुत हाइपर हो रही है, ब्रीथ आराम से कर रही है। नहीं भाई मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तेरे को पता है तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मुझे तो ना लग रहा है कि मैं रोडीज पे हूँ, मैं स्प्लिट्सविला पे है ही नहीं, क्योंकि देखो जब भी देखो, आप लोग देखोगे अभी आने वाला एपिसोड्स वगैरह में भी, और अभी भी जब से अंदर हम विला पे पहुंचे तब से ये इन लोगों का झगड़ा हो रहा है और मेरे को इरिटेट हो रहा है, और नॉट जस्ट मी, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विला वर इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, सर्कल पे घूम रहा है, बाकी चीज तो हो ही नहीं रहा है। उन लोगों को उतना ही रोडीज का मतलब सॉर्ट आउट वगैरह करना था तो बाहर पे करके आते, नहीं तो बाहर पे कर लियो, अंदर मत कर लियो। दिग्विजय बोल रहा है रोडीज ओवर स्प्लिट्सविला, नहीं भाई साहब, रोडीज करके आए हो, रोडीज
वाला चीज रोडीज के अंदर ही छोड़ के आओ, रोडीज के अंदर ही करके आओ, सब कुछ बाहर ही खत्म करके आओ, स्पिरिट विला पे आए हो नया कुछ स्टार्ट करने, नया कुछ स्टार्ट करो, नया टॉपिक ला के आओ, क्यों एक ही बात पे, वो भी हर रोज हर दिन। भाई साहब जब से विला से वापस आए हो ना, इतना पीसफुल लग रहा है कि मतलब झगड़ा नहीं, ताना नहीं मार रहा है, इधर से उधर बात कोई नहीं कर रहा है, ऐसा बहुत ही ज्यादा यू नो ऐसा फील हो रहा है मेरे को। Do you like Sachin? Sachin and me, guys, I'll tell you one more thing. मैं सीधा सीधा बोल दूंगी, आने वाला ये नेक्स्ट हफ्ता मेरे नाम पे नहीं होगा। मे बी आफ्टर दैट डिकी विल शाइन, बट आने वाले में मैं भी बूढ़ा भी दिख सकती हूँ। बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि सचिन और मेरा जो भी मतलब सब लोग बोल रहे हो कि मतलब वाई सचिन ये ऐसा, मुझे भी पता है कि जब मैं किसी को प्यार करती हूँ, जैसे कि अनिकेत को मैं प्यार कर, जिसको मैं प्यार करती हूँ उसको इस शो में ला दिया है शो वालों ने, तो ऑब्वियसली मैं जिसको इतना ज्यादा प्यार करती हूँ आई वोंट बी लुकिंग फॉर समबडी एल्स, राइट? उसको वो मेरा, मैं जिसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, हिंदी भी नहीं आता है, मैं जिससे प्यार इतना ज्यादा करती हूँ वो बंदा को इतने लड़कों के सामने वो बंदा को लेके आओगे तो ऑब्वियसली आई वोंट बी सीइंग अदर्स, राइट? मैं उसी बंदा को देखूंगी ना, इसीलिए आई थॉट मैं फॉरगिव करूंगी अनिकेत को, फॉरगिव करूंगी, बट फॉरगिव करना इज वेरी इजी गाइस। Forgive करना is very easy guys, forgive कर दूंगी, but forgive तो इसलिए मैं टाइम ले रही हूँ, ठीक है? And then about Sachin, I'll tell you, जब मैंने निशिता और अनिकेत का वीडियो देखा था, जब हम एग्जाइल पे थे, मतलब ऐसे हाथ देते हुए ऐसे करते हुए, तो आई वॉज लाइक ओके, मैंने तो देख लिया है उसको। नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं बाहर चलते चलते, अनिकेत देखता है मुझे और रिगदेन को, और फिर वो केस करके चल जाता है। आई वॉज लाइक ठीक है तू भी देख ले, मैंने तो देख लिया है। और सचिन और मेरा क्या हुआ था, सॉरी मैं ना हर वक्त टॉपिक से इधर उधर हो जाती, भटकती रहती हूँ। तो सचिन के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ, सचिन इज समबडी, उसको मैं मेरा गुस्सा दिखा सकती हूँ, उसको मैं फोकट में कुछ भी बोल सकती हूँ, मतलब मैं उतना यू नो कम्फर्टेबल फील करती हूँ उसके साथ। और फिर उसका और मेरा कैसे स्टार्ट हुआ, जब हम विला पे एग्जाइल पे थे, तो एग्जाइल में क्या हुआ था कि शीता और अनिकेत का वो जो वीडियो देखा था, और आकृति और जसवंत का, मी एंड लक्ष्य किसे बताऊं, इतना लंबा स्टोरी है गाइस, इतना लंबा स्टोरी है ना। तो सचिन मुझे लास्ट में आके पिच करता है कि लेट्स यू नो गेम के लिए पेयर अप करते हैं, ये वो, मैं भी बोलती हूँ ठीक है, मैंने भी मेरा बंदा को दूसरी बंदी के साथ देख लिया है, तो आई थिंक मुझे भी दिखाना चाहिए बोल के मैं भी सचिन के साथ मैं बोलती हूँ कि सी आई पेयर अप विथ यू, बट जस्ट फॉर द गेम, नॉट एज लवर टाइप का, ठीक है? तो वो हमारा बात होके गया था। और ऑन टॉप ऑफ दैट, आज के एपिसोड में मेरा हर बात कट हुआ है, जहां पे मैंने क्लियरली बोला था कि आकृति को वोट देते वक्त तो मेरा क्या दिखाया था कि दिस इज फॉर यू बोल के आकृति और जसवंत का नाम लिखा था, पर मैंने उतना ही सिर्फ नहीं बोला था, मैंने बोला था कि मेरा और सचिन का एग्जाइल से आते वक्त ही बात हो गया है, जहां पे मैंने बोला था कि अगर अनिकेत को उधर मेरा जरूरत होगा हम साथ में खेलेंगे, और अनिकेत को जरूरत होगा तो आई विल बी देयर फॉर हिम एंड यू हैव टू बी देयर फॉर अनिकेत, मैंने ये बोला था, ठीक है? एंड सचिन ने भी बोला था कि ठीक है लाइक वाइज आकृति के लिए भी हमारा जरूरत पड़ेगा तो आकृति के लिए भी हम स्टैंड लेंगे, ओके तू भी मेरे लिए ले, मेरे मतलब एक्स के लिए ले, तेरा एक्स के लिए भी आई विल टेक स्टैंड, मैंने ये बात हुआ था। दैट इज वाई मैंने वोट भी देते समय मैंने बोला था कि मेरा सचिन का बात हुआ था, ये हम जब भी तुम लोगों को जरूरत पड़ेगा लाइक विल बी देयर फॉर यू गाइस बोल के हमने तब दिखाया था, ठीक है? तब ऐसा हुआ था गाइज। एंड अबाउट सचिन का परफॉर्मेंस मैं बोलना चाहूंगी कि ये बंदा अच्छा परफॉर्म करता है और अपने आप को प्रूव भी करता है, करेगा भी बाद में तुम लोग देखोगे, बट ऐसा बात है कि जब वो परफॉर्म करता है कि चाहे दुश्मन का टीम हो या दोस्त का टीम हो, वो मतलब
एक परफॉर्मर होता है ना, खुद को पता है, एक स्पोर्ट्समैनशिप वाला चीज होता है ना, चाहे दुश्मन के लिए परफॉर्म करो या दोस्त के लिए परफॉर्म करो, वो अपना 110% देता ही है. दैट इज वाई मैंने उधर पे बोला था, जहां पे मेरा नहीं लगा है, ठीक है, मेरा कट हो गया, वो ठीक है, बट मैंने उधर पे भी बोला था कि सचिन इज नॉट लाइंग, बिकॉज उसने आते ही टास्क जैसे खत्म हो गया था, आते ही उसने बोल दिया था कि सॉरी गाइज आई डोंट नो मैंने क्या टिक कर दिया है, मैंने जल्दबाजी में मैंने कुछ भी टिक कर लिया, मैंने टास्क खत्म करने के चक्कर में मैंने कुछ भी मतलब टिक कर दिया, बिकॉज इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग भी बोला था, ठीक है, सबने बोला था, जिसने भी टिक वगैरह किया सबने बोला था कि बस कन्फ्यूजिंग, और उसने जानबूझ के नहीं किया था, दैट्स इट. वॉट अबाउट लक्ष्य, लक्ष्य का भी मैं क्लियर कर देती हूँ. लक्ष्य एंड मी क्या होता है, एग्जाइल मी नायरा, मी उन्नति एंड लक्ष्य ही रात को बैठे हुए थे, रात भर बात करते हैं हम, ठीक है, जहाँ पे नायरा मुझे बोलता है कि लक्ष्य के साथ पेयर अप कर ले, लक्ष्य के साथ पेयर अप कर ले, और उन्नति भी बोलता है हाँ कर ले, एंड मी एंड लक्ष्य, लक्ष्य को मैं बोलती हूँ कि लक्ष्य तुम जो बात करते हो मुझे समझ ही नहीं आता है, और मैं जब बात करती हूँ तुम्हें समझ नहीं आता है, तो जब हमारा कन्वर्सेशन ही अच्छा नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक सो मैंने बोला था, बट स्टिल सोच ले बोला था मुझे नायरा और लक्ष्य ने, तो मैं सोच रही थी ठीक है, बिकॉज बंदर तो अच्छा भी दिखने में भी अच्छा है, ठीक है, मैं मतलब सोच रही थी, बट क्या होता है उससे नेक्स्ट डे में लक्ष्य और नायरा का रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग शुरू हो जाता है, एज इफ दे लाइक दे हैव सम यू नो कनेक्शन टाइप का, तो मुझे लगता है कि व्हाट द फक इज दिस, क्योंकि रात भर तो मुझे पिच कर रहा था, तो अभी सुबह सुबह तो मुझे थोड़ा फ्लिपी फ्लिपी टाइप का लग गया था, तो उस टाइम मैंने बोला कि ठीक है आई जस्ट बैक ऑफ, मुझे यू नो किसी का ऑप्शन भी नहीं बनना है और वो भी नहीं करना है, इसीलिए मैंने लक्ष्य को मेरा लिस्ट से हटाया गया था, ठीक है. या लक्ष्य इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, जो हुआ था वो ही बोल रही हूँ गाइस. उफ गरम हो गया, और क्या बात करना है, और ना एक बात बोलूंगी मैं, कैसे बोलूं भाई, मैंने ना सेकंड टाइम में भी मैंने ऐसे ही बोला था कि लाइक कैसे ही बोलूं, लेट अस नो व्हाई यू आर सो प्रीटी, अरे फिल्टर लगाया हुआ है इसलिए प्रीटी दिख रहा है, फिल्टर जाएगा तो थोपड़ा रियल दिख जाएगा. मैं बहुत जल्दी बात करती हूँ गाइस, मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करती हूँ, और नेपाली में भी मैं बहुत फास्ट बात कर लेती हूँ, इसलिए किसी किसी को लोग को तो समझ भी नहीं आता है. गाइस मेरा ऐसा ही एक्सेंट, ऐसा ही टोन है मेरा हिंदी में, बहुत रूद सुनाई भी देता है कोई कबर, इट्स ओके इफ अनिकेत प्रपोज यू अगेन विल यू एक्सेप्ट, अरे अभी भी मैं सोच रही हूँ. Why you are not following Aniket? अरे मैंने तो उसने फॉलो किया था, मैंने भी फॉलो बैक कर दिया था, मैं कभी भी मैं अनफॉलो फॉलो ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम कभी ही नहीं खेलती हूँ. खेलता ही मेरा बंदा, उसको गुस्सा आता है तो वो कर देता है ऐसा, मतलब फॉलो अनफॉलो, फिर जब उसका मूड ठीक होगा वो फिर आएगा, ऐसा ही है उसका. क्या बात करी गाइस, थोड़ी अभी ना आई जस्ट हैव 10 minutes एंड देन आई जस्ट गो, ठीक है. भाई साहब हमारा तो कुछ स्क्रीन टाइम है ही नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं तो फोकट में जस्ट फॉर द नेम से एक स्प्लिट विला जैसा लग रहा है, क्योंकि हम तो देख ही नहीं रहे, जस्ट नॉट जस्ट मी, देर आर सो मेनी पीपल जिसका तो स्क्रीन टाइम ही नहीं है, सिर्फ कौन कौन को दिखा रहा है, आकृति हो गया, जसवंत को हो गया, और शिवेता को हो गया, दिग्विजय हो गया, और सचिन को भी थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है, बट ज्यादा तो इन लोगों का कवर अप हो रहा है, मुझे तो लग रहा है स्प्लिट्स विला इन लोगों का ना रोडीज का जो भी मामला था खत्म, मतलब सॉर्ट आउट वगैरह करने के लिए बुलाया है इन लोगों. ठीक है गाइस, मुझे स्प्लिट्स विला के लोग के बारे में पूछो, मैं पच पच बता दूंगी क्या क्या है कौन कैसा है बोल के, ठीक है गाइज. ओनली 10 minutes है, तुम लोग मुझे पूछो स्प्लिट्स विला की कुछ भी मतलब लोगों के बारे में, मैं पेच पेच बता दूंगा. अम्मा मामा आकृति तुमने क्या क्या बोला था, वीडियो तो सिर्फ तुम्हारा ही लगा हुआ है भाई साहब, शो में जितना भी कंटेंट दूसरों का है उससे ज्यादा तो वीडियो सिर्फ लगाया हुआ है. और गाइज वीडियो का मतलब ये होता है जो वीडियो डायरी जो होता है जो मतलब जो भी वीडियोज वगैरह प्ले होता है उसके
ऊपर कुछ मतलब यू नो अपना रिएक्शन देना होता है, तो मेरा रिएक्शन ना सबके लिए मतलब अच्छा अच्छा ही बोला था, इसलिए नहीं लगा जैसा लग रहा है. बट जो भी बुरा बोलता है, जो भी बुरा बोलता है ना विधि में, उसका ही सिर्फ विधि लगता है. नायरा के बारे में, नायरा गाइस ये रिकॉर्ड करके रखना ठीक है. तो मैंने ठीक है तो मैंने ये रिकॉर्ड करके रखना, बाद में मैंने ना एग्जाइल में जब नायरा रूरू में उन्नति थी, हम सिर्फ चार लड़कियां थे, तो मैंने नायरा को बोला था कि सी आई हैव नेवर सीन रूरू और उन्नति को परफॉर्म करते हुए, तो आई डोंट नो वो लोग कैसे परफॉर्म करते हैं. और मैंने रोडीज भी नहीं देखा है इस बार, तो आई डोंट कॉम्पिटिशन, जितना भी मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तो आई फाइंड यू एज माई कॉम्पिटिशन बोल के मैंने नायरा को बोला था ठीक है. तो नायरा मुझे बोलता है कि आई डोंट फाइंड यू एज माई कॉम्पिटिशन दिक्की, मैं तो तुम्हें कॉम्पिटिशन नहीं मानती हूँ, बोला मेरे मुंह पे ठीक है. ये रिकॉर्ड करके रखना, बाद में काम आएगा गाइज, बाद में काम आएगा. फिर से बोलो, अमे आई सो क्यूट, मुझे विला पे आई डोंट थिंक सो मुझे ये बोलना चाहिए, बट आई थिंक मैं बोलूंगी क्योंकि बोल भगवान ने मुंह दिया है तो मैं बोलूंगी. तो मुझे लगता है स्टिच विला में सबसे सुंदर लड़की, फॉर अपना अपना टाइप होता है ठीक है, किसी के लिए इंडियन फेस यू नो किसी को पसंद है, किसी को एशियन फेस पसंद है. तो मुझे कैसे बंदिया का फीचर्स पसंद है, जैसे कि अमेहा मुझे सबसे प्रीटी लगता है विला पे. तो फिर लक्ष्य के साथ क्यों पोस्ट कर रहे हो गाइज? हमारा शूट खत्म हो चुका है इसलिए हम अभी बाहर है, और हम सब अभी बहुत अच्छे दोस्त है, सब नहीं बोलूंगी, और लक्ष्य के बाद जितना भी है, लक्ष्य और मैं विला में अंदर मतलब उतना क्लोज नहीं है, बट जब हमारा ये सब खत्म हो गया था तब आफ्टर दैट वी बिकेम क्लोज, और दैट इज वाई हम अभी घूम रहे हैं साथ में, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं साथ में ठीक है. दैट इज वाई अभी हम अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही क्लोज. Don't give spoiler please. I'm not giving any spoiler boy for you guys. I'm just reacting. ठीक है. अनिकेत के बारे में बोलो. अरे भाई साहब उसके बारे में क्या बोलूं, मैं ना उसको बोलती थी अनिकेत जाके तू भी कुछ बात कर ले सबके साथ में बोल के, वो बात ही नहीं करता था. अनिकेत बात ही नहीं करता है किसी के साथ में, वो अपने रूम में जाता था सोता था. मैं बोलता था अनिकेत जाके दूसरों से भी बात कर ले ना, बात कर ले. स्पिट विला इज नॉट जस्ट अबाउट कनेक्शन, दोस्त भी बनाना होता है, जाओ बनाओ बोल के. वो ठेरा इंट्रोवर्ट, और वो बात ही नहीं करता था किसी के साथ भी, बात नहीं करता था. वो भी बात किया होगा लड़कियों के साथ में, मेरा दोस्त उन्नति के साथ में सच्ची में, और उसका कनेक्शन इसी तरह उसके साथ में बात करता था. उतना ही मैं बोलता था बाहर जाके बात करो, ये करो वो करो, वो कभी नहीं जाता था भाई साहब बाहर पे. बात करने के लिए वो बोलता था रियलिटी शो है मतलब फोकट का नाटक क्यों कर रहे, अंदर ही बैठो ऐसा ऐसा हो, और फिर जीतो, जीत के टास्क करो, टास्क में जीतो और सेफ रहो डिक्की बोलता था वो मुझे. बट आई वाज ऑलवेज लाइक जाके सबसे बात करो. बिहेवियर ऑफ सचिन, मुझे पता नहीं है कि मतलब मुझे सचिन के बारे में मैं ये बोलती हूँ बोलूंगी कि लाइक ही इज अ वेरी यू नो स्वीट गाय, और बहुत ही अच्छा लड़का, मतलब क्या बोलते हो, बहुत अच्छा है वो, सच्ची में बहुत अच्छा है. हाँ वो सब लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेता है, बट मतलब बहुत अच्छा है वो, दिल का साफ है. और शो में वो जितना भी मतलब शो में क्या होता है गाइस, गेम्स वगैरह भी होता है, तो वो लोग गेम के लिए कुछ भी कर लेते हैं कोई कबार. बट एज अ पर्सन बोलूंगी गेम सेम सब हटा के वो बहुत अच्छा लड़का है.
व्हाट डू यू थिंक ऑफ आकृति? अरे आकृति, जब मैं फर्स्ट टाइम आकृति को मिला था तो मुझे सचिन ने ही मिलवाया था कि डिकिला मीट आकृति बोल के विला पे, ठीक है? दैट इज व्हाई आई गॉट शॉक्ड कि जब हम विला पे एंटर करे तब तो आकृति वॉज टॉकिंग टू सचिन प्रॉपरली और हम लोग अच्छे से बात भी किए थे. बट जो लास्ट वाला एपिसोड में एक आया था ना जहाँ पे सचिन जाता है बात करने और आकृति जाके जसवंत के साथ बैठता है, सचिन को दिखाता है, दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड क्योंकि वो जब हम एंटर किए थे विला पे तब तो लाइक everything was fine, like they were talking nicely to each other or all of a sudden wo ho gaya ab wo bhi mujhe to pata bhi nahi tha aisa ho raha tha andar hi andar mere samne karta to bhai sahab main bata deti. Even Aniket look perfect together, be back again. Are guys mujhe thoda uske liye time chahiye to isliye time de rahi hu, theek hai? samajh jao aap log bhi. Only 5 minutes left guys, मैं थोड़ा बात करके चली जाऊंगी. अनिका एंड सिविदा के बारे में, ठीक है मैं बोलती हूँ. अनिका को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, उसके साथ मेरा अच्छा बात भी नहीं हुआ है अच्छे से, तो आई डोंट नो हर इन पर्सन अच्छे से. बट शिविदा के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, शिविदा एज अ पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता नहीं है कि उन लोगों का रोडिस पे कैसा झगड़ा हुआ है, क्या सच है क्या झूठ है, मुझे कुछ भी पता नहीं है. बट विद मी ही इज वेरी स्वीट और आई थिंक मुझे मतलब शिविदा क्या है कि मतलब किसे बोलो, एक दादा है दियंता, दादा. अनिकेत की वजह से मैंने मतलब मिला था क्योंकि अनिकेत शिविदा को दादा दादा बोलते हैं. क्यों बोलने में मैं हर वक्त पूछता था अनिकेत से, तुम लोग क्यों दादा भाई बोलते हो, लेकिन गेम में तुम लोग एक दूसरे को फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं रख रहे हो. अनिकेत रख रहा है बट उस तरफ से नहीं आ रहा है, तो मैं बोलती थी क्यों भाई क्यों, तो वो बोलता था हमारा भाईचारा तुमको समझ नहीं आएगा. मुझे अभी तक समझ नहीं आया है बट स्टिल जितना भी मैं शिविदा को जानती हूँ तो मुझे लगता है ही इज अ वेरी स्वीट गाय. मुझे पता नहीं है उन लोगों का क्या झगड़ा है रोडीज पे, ठीक है क्या है क्या नहीं है पता नहीं है. जब मैं गई थी मतलब जब मैं मिली अनिकेत ने जब मुझे शिविदा से मिलाया और जब हम बात किए, अच्छा बात हुआ, कुछ वो नहीं था और ही इज वेरी स्वीट टू मी ऑल्सो. थैंक यू गाइज फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स. और मुझे ना बहुत खुशी लग रहा है, कल मैंने टास्क पे हक दिया फिर भी इतना प्यार मिल रहा है. लेकिन गाइज आई वॉन्ट लेट यू गाइज डाउन, ठीक है अभी तो हकने दो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को मैं आई विल मेक यू गाइज वेरी प्राउड, वेरी प्राउड. ओ भाई साहब नेपालीमा नेपाली में बोलो ना एक बार, अरे के भन्नु म नेपालीमा, म यति बेसी छिटो बोल्छु अब नेपाली बोल्ने मान्छेहरूले पनि बुझ्दैन होला म नेपालीमा के भन्दैछु भनेर. अब बुझ्यौ त तिमीहरूले, बुझ्दैन होला तिमीहरू, बुझ्दै बुझ्दैन किन म क्या छिटो बोल्छु नि त, नेपालीहरूले त बुझ्छ बुझ्नु त के भनेको भनेको, म पनि हतपत बुझ्दिनँ मैले के भनेको भनेर. सो गाइज आई टक लाइक दिस, कट द टपिक अफ बोइज, जस्ट टक अबाउट युर सेल्फ. अरे क्या बोलूँ मैं अपने बारे में, मैं तो कुछ दिन पहले लाइक आई वॉज लिटरली लाइक मैं ना बहुत कुछ भूलने की कोशिश करती हूँ बट वो बार बार वही टॉपिक आ जाता है. और कोई लोग है गाइज, आई रियली वॉन्ट टू क्लियर दिस आउट, कि कोई लोग है जो स्थित विला अच्छे से देख भी नहीं रहा है, अनसीन अनदेखा अच्छे से नहीं देख रहा है और अनकट वाला भी नहीं देख रहा है और हमारा इंटरव्यू वाला वीडियोज भी नहीं देख रहा है और एक रील देख के जज करे जा रहे, जज करे जा रहे, जज करे जा रहे. आई एम लाइक व्हाट द हेल. थोड़ा मेरा दोस्त बोल रहा है टाइम अप जाना है अभी. बट इट वॉज क्वाइट क्यूट वेन अनिकेत वॉज कामली टेकिंग योर साइड. या आई टेल यू वन थिंग, मैं और अनिकेत, जस्ट नॉट जस्ट मी एंड अनिकेत, बहुत सारे कपल्स लोग होते हैं जो नॉट जस्ट इवन कपल्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हूँ. जैसे कि ये मेरा दोस्त हो गया अल्फा, मैं इसको कुछ भी बोल सकती हूँ, ये मेरे को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन थर्ड पर्सन आके मेरे को कुछ कहेगा तो ये भीड़ जाएगा उसके साथ. इसको थर्ड पर्सन आके कुछ कहेगा मैं भीड़ जाऊंगा, वैसा है. मतलब हम एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं बट कोई थॉट पर्सन आके बात करता है तो वो बच गया. बच जाता है वो.
कता जाना लाग्न भएको दिदी तपाई हेरे मेरा दोस्तका मतलब इतने सालों पर इतने दिनों बाद ना मेरा दोस्त का छुट्टी है तो इसलिए हम बाहर जा रहे हैं. सो आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस जिसमें वो है. तो हम जा रहे हैं टेक्नो पार्टी पे और हील्स पे मैं नहीं नाच पाऊंगी अच्छे से. तो आई एम वेयरिंग ये कंफर्ट. मेरा दोस्त आ जाएगा. किस तरह रेसो ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. और यहाँ पे बैंगलोर में हमारे एक दूसरे के अलावा कोई दोस्ती नहीं है. हमारा अकेले कोई दोस्ती नहीं. ये जब गोवा गई थी तब भी मैं अकेली पड़ गई थी गोवा में. मैंने इसको भी बोला था तू भी चल बोल के. इसका छुट्टी नहीं था. अभी इसका छुट्टी चल रहा है तो वी आर प्लानिंग टू गो अगेन. क्योंकि हमने कब से प्लान कर रहे थे कि लाइक वी विल गो गोवा विल गो गोवा टुगेदर गोवा 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 बोल के. हमारा साथ में कभी फिक्स ही नहीं हो रहा था. तो हम फिर से गाइज मैं फिर से प्लान कर रही हूँ जाने के लिए इसका छुट्टी के अंदर. गाइज मेरा टैटू वगैरह मत पूछो. सिर्फ मेरे को एक ही पसंद है. दूसरा तो मैं सब रिग्रेट करती हूँ. जो है वो ही बोलती हूँ भाई साहब. अनफिल्टर्ड है. इसको तुम छपरी बोलो चाहे कुछ भी बोलो मेरे को बाल मतलब. नेपाली खुन हो कि अलिकति जिउमा तात्ती पो हाल्छ त रिसुटी भयो नि त. मोस्ट ब्युटिफुल गर्ल इन द स्प्लिट भिला श्री हेरे. थ्याङ्क यू. मत बोलो न यसलाई चाहिँ. क्या बात करे गाइस हम जा रहे अभी किसे बता. उठू ना वेट मे आउटफिट दिखाती हूँ. ओके हम मतलब टेक्नो जा रहे हैं ना इसलिए मतलब थोड़ा कंफर्टेबल लगाना पड़ेगा शूज. तो आई एम वेयरिंग दिस और ये थोड़ा अच्छा दिखेगा टेक्नो में लाइट पे ऐसे रोबोट जैसा. नमस्ते ल गाइस लई बड़ी लई गाको आबा हामी छ ल. बाय बाय एवरीबॉडी. सो वी आर गोइंग नाउ. मैं थोड़ा नहा के निकली थी तो बाल भी पित्ते हो गया. बाल पित्ते हो गया गाइस. कल सोच रही हूँ कल लाइव कल कल सोच रही हूँ.